नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उप स्वास्थ्य केंद्र कन्नावत को टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जहां 45 प्लस वालों को ही वैक्सीन लगाने की सुविधा है। इधर 18 प्लस वालों को वैक्सीन लगाने की सुविधा नहीं होने से क्षेत्र के लोग काफी नाराज है और किसी अन्य जगह पर जाकर वैक्सीन लगाने को मजबूर है। 18 प्लस से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों ने नगर कन्नावत में 18 प्लस के वैक्सीनेशन की सुविधा देने की मांग की है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा जटाशंकर मंडल अध्यक्ष राम कुमार सोनी ने बताया कि कन्नावत 18 प्लस से अधिक उम्र वाले व्यक्ति का टीकाकरण किया जाना है, किंतु आज 28 मई 2021 तक कन्नावत में टीकाकरण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। वहीं गांव के बबलू मंसूरी ने बताया कि मैंने रजिस्ट्रेशन के बाद बागली जाकर वैक्सीन लगवाई है, वह मेरे भाई ने भी बागली जाकर वैक्सीन लगवाई है। वहीं रवि पाटीदार ने बताया कि मैंने रजिस्ट्रेशन के बाद हाथ पिपलिया जाकर वैक्सीन लगवाई है और साथ ही दीपक शर्मा ने बताया कि 26 मई 2021 को रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वैक्सीन लगाने के लिए काटाफोर्ट जाना पड़ा। और रुखसार बी ने बताया है कि मेरा रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, मुझे वैक्सीन लगाने के लिए सोनकक्ष जाना पड़ा, वहां जाने में संक्रमण का खतरा भी लग रहा था। ऐसे ही कई युवाओं ने वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया चुके हैं, लेकिन अब तक नगर कन्नावत में स्थानीय स्तर पर 18 प्लस की वैक्सीन की सुविधा नहीं हो पाई है, इसीलिए वैक्सीन नहीं लगवाया गया है। करनाल में 80 प्लस का वैक्सीन सेंटर नहीं होने के कारण कल काफ़ी दूर 80 किलोमीटर काटाफोड़ वैक्सीन लगवाने के लिए जाना पड़ा और काफ़ी परेशानियां हुई गर्मी के कारण भी, और काफ़ी दूर है काटाफोड़ यहां से। तो कर्नावत में जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि कर्नावत में वैक्सीन सेंटर जल्द से जल्द ओपन करवाए ताकि यहाँ के युवाओं को वैक्सीन का लाभ मिल सके, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो रही है, स्लॉट बुकिंग में भी दिक्कत हो रही है और काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है, काफ़ी ट्रेवल करना पड़ रहा है और बाहर जाने पर वही महामारी का डर है कि कोरोना फैलेगा फिर से। इसलिए जो भी जनप्रतिनिधि ध्यान दें कर्नावत वैक्सीन सेंटर पर और जल्द से जल्द वैक्सीन सेंटर ओपन करवाएं। कर्नावत के युवा बबलू मंसूरी से बात करते हैं हम वैक्सीन के विषय में। इन्होंने कहाँ पर वैक्सीन लगवाई, बताइए सर आपने कहाँ पर वैक्सीन लगवाई? कर्नावत में वैक्सीन सेंटर 18 प्लस वैक्सीन सेंटर नहीं होने के कारण हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ी। हमने 20 तारीख को रजिस्ट्रेशन करवाया था, 23 तारीख को बागली जाकर वैक्सीन लगवाना पड़ी। यहाँ से बागली 20 किलोमीटर के लगभग पड़ता है, जिसमें बहुत परेशानी आती है, दिक्कत आती है जाने में और कोरोना महामारी का भी डर रहता है। तो आपकी क्या मांग है कर्नावत में वैक्सीन सेंटर उपलब्ध कराने के लिए? कर्नावत में मैं सभी से स्टार्ट हमारी यह मांग है कि कर्नावत में जल्द से जल्द वैक्सीन सेंटर उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, धन्यवाद बबलू मंसूरी जी। कर्नावत से आमिन मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।